नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल हलवा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाए, क्योंकि मेरी नया रेसिपी पहले आपको मिल सके। मूंग दाल हलवा के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हम चाहे मूंग दाल, मैंने लिया है आधा कप मूंग दाल, आधा कप चीनी, 5-6 चम्मच घी, 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच बेसन, थोड़ा सा इलायची पाउडर, आधा लीटर दूध और काजू बादाम को बारीक काट कर रखा है। ये मूंग दाल फ्राई करेंगे। मैंने गैस पर एक पैन रख दिया, गैस ऑन कर दिया। अब हम ये मूंग दाल इसमें डाल देंगे। और इसको ऐसे चलाते रहेंगे। ये गोल्डन कलर होने तक हम फ्राई करेंगे। मूंग को मैंने कपड़े में अच्छा से पूछ लिया था। अब मूंग दाल को धो के भी धूप में सुखा कर इसको भी हलवा बना सकते हैं। इस तरह हम चलाते रहे हैं। हल्का ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मूंग दाल अभी हल्का गर्म है। अब हम इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे। जार में ये मूंग दाल डाल देंगे। मैंने मूंग दाल को दरदरा पीस लिया है। अब हम हलवा बनाएंगे। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया, गैस ऑन कर दिया। तो इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। पहले हम ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हाई रखेंगे। चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम ये घी में ये सूजी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फ्लेम सिम से मीडियम करेंगे। सूजी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम बेसन डालेंगे। सूजी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बेसन डाल दें। इसको भी फ्राई करेंगे। इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। Thank you.
ये फ्राई हो चुका है, अब हम ये पीसी मूंग दाल डाल दें। अब इसको ऐसे चलाते रहें। अब हम इसमें एक चम्मच घी डाल दें। इसको और थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। फ्लेम स्लो रखेंगे। इसे मीडियम रखेंगे। ये मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें ये दूध डाल देंगे। ये आधा लीटर दूध फ्लेम स्लो से मीडियम रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे। इसे ऐसे चलाते रहेंगे। फ्लेम स्लो से मीडियम रखेंगे। इसमें एक चम्मच घी डाल दें। और इसको ऐसे चला दे रहे हैं। मैंने इसमें 5 चम्मच घी डाला है। घी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। हो चुका है, अब हम इसमें आधा ड्राई फ्रूट डाल देंगे और आधा गाना चीनी के लिए रखें और इलायची पाउडर भी डाल दें और इसको अच्छा से मिक्स कर लें। ये अच्छा से मिक्स हो चुका है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। मूंगफली हलवा हमारा तैयार हो चुका है। मूंगफली हलवा मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया, अब हम ये ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल दें। आप ये मूंगफली हलवा घर पर बनाइए, खाइए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।